उज्जैन में महाशिवरात्रि को लेकर भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। वहीं महाकाल की नगरी में होने वाले दीपोत्सव के आयोजन को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच सियासत शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि भाजपा के पास विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए वह धर्म का सहारा ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हिंदू धर्म का जो भी आयोजन होता है उस पर कांग्रेस को आपत्ति होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च को शिव ज्योति अर्पण महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिप्रा के तट पर देवस्थानों, मंदिरों और नगर में घर घर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस पावन अवसर पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिप्रा नदी के तट पर दोनों ओर 13 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नगर के देवस्थल महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और गढ़ काली का सिद्धवट, हर सिद्धि मंदिर प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। वहीं बा महाकाल की नगरी में होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। शिवराज सरकार के इस आयोजन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि भाजपा के पास विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए वह धर्म का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा है कि धर्म और राजनीति अलग अलग विषय है, दोनों का समावेश नहीं होना चाहिए। क्या संस्कृति विभाग अन्य धर्मों के त्योहार पर भी इस तरह का आयोजन करेगी? एक तो आज से पूरे उज्जैन में 21 लाख दीपों के साथ महाशिवरात्रि का जी प्रदेश की सभी शिवालयों में होगा। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पावन धरती जो देश का हृदय प्रदेश है, वो अपनी संपूर्ण समर्पित भावनाओं के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाने जा रहा है। और कल महाकाल भगवान भूत भावन की वो प्रिय नगरी है, वहाँ पर 21 लाख दिए लगाए जाएंगे और ये 21 लाख दिए लगाकर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। 14 लाख दिए तो हम माँ शिप्रा के पावन तट पर जलाएंगे और वो सब दिए सुव्यवस्थित जलें, सूर्य निश्चितता हो उनके जलने की, इसलिए हमने 14,000 वॉलंटियर्स का आह्वान किया था। पर हमें बहुत प्रसन्नता है कि 17,500 वॉलंटियर्स ने अपना पंजीयन कराया। एक वॉलंटियर के खाते में 100 से के आसपास दीप आने वाले हैं और 14 लाख हम माँ शिप्रा के तट पर इन दीपों को प्रज्वलित करेंगे। बाकी 7 लाख घर, मंदिर, विभिन्न प्रतिष्ठानों पर दिए लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग अब महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेश के शिवालयों में पूजन का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई। पूजन हो, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कांग्रेस से सवाल करना चाहती है कि सरकार का संस्कृति विभाग क्या जो ये आयोजन होंगे इसको राजनीति से परे रखेगा? इसी जानकारी सामने आ रही कि ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आयोजन हो रहे हैं। इसमें तमाम भाजपा के नेताओं की सहभागिता होगी, क्योंकि भाजपा के पास विकास बताने को तो नहीं है, इसलिए धर्म का सहारा ले रही। हम शुरू से कहते हैं कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय, दोनों का समावेश नहीं होना चाहिए। और चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, प्रदेश में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग अन्य धर्मों के पावन पर्व के अवसर पर भी इसी तरह आयोजन करेगा? क्या सिखों के धार्मिक पर्व, यदि गुरु नानक जयंती से लेके यदि बात करें क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो, उन पर्वों पर भी इसी तरह के आयोजन होंगे या सिर्फ भाजपा और आरएसएस के एजेंडे के अनुसार ही किसी एक तरह के आयोजन होंगे? भाजपा को, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं इन आयोजनों के माध्यम से सरकार भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रही, आरएसएस और भाजपा के एजेंडे पे काम कर रही। कांग्रेस को किसी भी पर्व के पूजन पर कोई आपत्ति नहीं, महाशिवरात्रि पर्व के पूजन पर भी हमें आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की है कि ये सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए इस तरह के शुरुआत हो तो अच्छी होगी और इस आयोजनों को राजनीति से परे रखा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा के बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो भी आयोजन हिंदू धर्म का होता है उस पर कांग्रेस को आपत्ति होती है और वहीं उन्हें धर्म की राजनीति समझ में आती है, कांग्रेस की ऐसी सोच पर तरस आता है। अब जो भी आयोजन हिंदू धर्म का बड़ा होता है वो उसी पे आपत्ति करते हैं और वहीं उन्हें धर्म की राजनीति समझ में आती है, बाकी दूसरे धर्म की राजनीति में उन्हें कोई धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है। हमारे भोपाल में कोई भी कितना बड़ा मेला लग जाए तब उन्हें धर्म की राजनीति समझ में नहीं आती है।
ये कांग्रेस का सोच बताता है कि जब भी आयोजन कोई हिंदू धर्म का, वो उज्जैन में इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पर, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में किया, उससे जैसा काम मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें भी कांग्रेस अगर दीप जलाने को भी अगर वो राजनीति समझते हैं, तो मैं समझता हूँ मुझे तरस आता है ऐसी सोच पर। आपको बता दें कि कोरोना काल के 2 साल बाद बा महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। खैर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।